स्वागत है आप सभी का पार्ट टू ऑफ एक्सप्लोरिंग चांदनी चौक में, जहाँ पे हम आपको दिखाने वाले बहुत से ऐसे अनएक्सप्लोर्ड जेम्स ऑफ चांदनी चौक जो कि हमने अभी तक आपको कवर करके नहीं दिखाए थे, और जानेंगे कि क्यों इतने खास हैं और कितने पुराने समय चलते आ रहे हैं और उनकी सारी स्पेशलिटीज। पहला पार्ट देखा है तो कमेंट में यस करके बता देना, और चलिए सेकेंड पार्ट में एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आ गए हैं सीसगंज गुरुद्वारा, जो कि चांदनी चौक की शान और बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा है, और गुरुद्वारे के ठीक सामने है गुरु कृपा डोसा कॉर्नर, जो कि शायद चांदनी चौक का इकलौता डोसा पॉइंट है और बहुत ही फेमस है। और यहाँ पे सिर्फ डोसा ही नहीं बल्कि इनकी चाय भी बहुत फेमस है, कुल्लड़ चाय। चलो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखने चाहते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी डिश, जो कि हमारे को मिलती है मनोहर ढाबा पे, और वो स्पेशल डिश है जापानी समोसा। जी हाँ, आज हम ट्राई करने वाले हैं जापानी समोसा और देखेंगे कि क्यों है ये इतना फेमस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक प्लेट लगवा लेते हैं जापानी समोसा की, जिसके अंदर हमारे को मिलते हैं छोले और साथ में ये है जापानी समोसा, थोड़ी सी प्याज और हरी चटनी। चलिए अब हम इसको ट्राई करके देखते हैं। ट्राई करते हैं अपना जापानी समोसा, देख लो कितनी सारी इसमें लेयर्स हैं और बड़ा ही क्रिस्पी क्रंची। ये देख रहे हो इसकी फीलिंग है, आप इसको खाना कैसे तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा सा आलू का तो फ्लेवर आना चाहिए, थोड़ा सा छोलों का भी फ्लेवर आना चाहिए, और साथ में प्याज का सैलेड मिला है। दिस मेक्स द बाइट फ्राइड पैटीज वाला स्वाद है, और पैटीज नहीं ले रहे हैं लेकिन बहुत क्रिस्पी है, बहुत क्रिस्पी। एक एक बाइट में क्रंच है, अंदर के मसाले अच्छे हैं, छोले अच्छे हैं, और जो नॉर्मल समोसे होते हैं उससे बहुत अलग है। पता नहीं जापान में मिलता कि नहीं मिलता, लेकिन है बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों अब बात हो रही है चांदनी चौक की, तो चलते हैं पराठे वाली गली की तरफ, और ये हम आ गए हैं पंडित गया प्रसाद शिवचरण, दी फेमस आइकॉनिक पराठे वाली शॉप, और यहाँ पे देखते हैं कि पराठे कैसे बन रहे हैं। तो देख रहे हो यहाँ पे तीन बंदे लगे हुए हैं सिर्फ पराठे बनाने के लिए। तो यहाँ पे एक तरफ से ऐसे डो बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ ऐसे डो को बेला जा रहा है, और तीसरा बंदा यहां से पराठे उठा के कढ़ाई में डालते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि पराठे बन रहे कढ़ाई पे। जी हाँ, और इस कढ़ाई में सिर्फ एक या दो पराठे नहीं बनने वाले बल्कि एक टाइम पे 8 से 10 पराठे डाल दिए जाते हैं। देख रहे हो अब 8 से 10 पराठे डाल दिए, अब जैसे ही ऑर्डर आएगा वो दूसरी कढ़ाई में इस पराठे को फिर से फ्राई करते हैं और इसको फुला देते हैं। तो ऐसे बनते हैं यहाँ पे पराठे वाली गली में पराठे। हमने तो इसको खाने की हिम्मत नहीं करी, लेकिन ये बहुत फेमस है, अगर आप चाहो तो इसको ट्राई करके देख सकते हो। आलू की सब्जी और पेटे की सब्जी के साथ यहाँ पे मिलता है, लगभग 200 रुपए के आसपास एक प्लेट पराठा मिलता है जिसमें दो पराठे मिलते हैं। अब फटाफट से हम चलते हैं फतेहपुरी की तरफ। फतेहपुरी में अब हम ट्राई करने वाले हैं लस्सी। अब गर्मियां आ चुकी हैं और गर्मियों में अगर ठंडी ठंडी लस्सी मिल जाना तो मजा ही आ जाता है। तो अभी हम आ गए हैं अमृतसरी लस्सी पे, जो कि बहुत ही फेमस शॉप है और बहुत सारी वैरायटी की लस्सी बनाते हैं। तो आज हम ट्राई करने वाले हैं केसर बादाम लस्सी। देख लो दोस्तों हमारी 75 रुपीज की फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड वेरी थिक मलाई केसर लस्सी आ चुकी है, और इसका स्वाद एक नंबर था भाई साहब, गजब लस्सी है, यू कांट मिस आउट इफ यू कम टू चांदनी चौक। अब फतेहपुरी की पतली पतली गलियों में चलते चलते हम फाइनली पहुंच गए हैं मेवा की दुकान पे। इतनी बड़ी ड्राई फ्रूट की दुकान और इतनी सारी वैरायटी का यहाँ पे मेवा है ना, और यहाँ पे लाइन से बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स की दुकान है, आप आके बहुत ही इंडियन और एग्जॉटिक ड्राई फ्रूट्स यहाँ से खरीद सकते हो। यही नहीं, यहाँ पर बहुत सारी पनीर की दुकानें भी हैं, और नॉर्मल पनीर ही नहीं, यहाँ पे फेमस है तड़के वाला पनीर या फिर मसाला पनीर, जिसको ये पुरानी दिल्ली वाले स्टाइल में कागज में लपेट के देते हैं। और अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं चांदनी चौक की शान और रबड़ी फालूदा की सबसे जबरदस्त दुकान, यानी कि ज्ञानी दी हट्टी, और यहाँ पे हमने देखा कि फालूदा कैसे बनाया जाता है। तो देख रहे हो कितने बल्क क्वांटिटी में यहाँ पे सामान आ रहा है, रिफिलिंग बहुत ही जल्दी जल्दी होती रहती है, और एक बारी में ऐसे 20-25 ग्लास फालूदा बनाया जाता है। सिंपल सी रेसिपी है, 4 इंग्रेडिएंट्स डाला, पहले फालूदा और ये इतनी थिक रबड़ी, अब इसके अंदर ये लोग डालेंगे थोड़ा सा शुगर सिरप, और उसके ऊपर इन्होंने डाला क्रश्ड आइस, इसको मिक्स कर दिया, और ज्ञानी का फालूदा तैयार। अब देख रहे हो आप, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ,
कि कैसे 20-25 ग्लास रबड़ी फलूदा एक बारी में बनते हैं और फिर फटाफट अपने ऑर्डर के हिसाब से निकलते चले जाते हैं। तो देख रहे हो कैसे लाइन लग के बिक रहा है यहाँ पे फलूदा और हर धर्म के लोग कैसे टूट पड़ रहे हैं। तो चलो अब हम भी लेके देखते हैं एक बाइट रबड़ी फलूदा की। जबरदस्त चांदनी चौक हैज नेवर बीन डिसअपॉइंटिंग यार। इतनी पुरानी पुरानी दुकान है और इतना बढ़िया खाना मिलता है ना, मजा आ जाता है। मतलब इतना टाइम हो गया इन शॉप्स को, इनके प्राइसेस में ज्यादा अंतर नहीं आया टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आपको ऐसे ही यूनिक वीडियोस देखनी है तो हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके सारी वीडियोस को चेक कर सकते हो। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।